आईएएस टीना डाबी ने बसाया पाक हिंदुओं का घर। जैसे हमने आपको वादा किया था कि 7 दिन में कर देंगे, तो आपको कर दिया 7 दिन में। पाक विस्थापितों को सौंपी 40 बीघा जमीन। टीना डाबी को दुआएं दे रही पाकिस्तानी महिलाएं। कुछ दिन पहले जब जैसलमेर की कलेक्टर टीना डाबी ने पाकिस्तान से आए विस्थापितों की झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलवाया था, तो उन्हें दलित होने की वजह से बहुत ज्यादा टारगेट किया गया था। उनके बारे में अनाप शनाप टिप्पणियां की गई और उन्हें हिंदू विरोधी बताने की कोशिश भी हुई। लेकिन अब उन्हीं टीना डाबी ने पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हिंदू परिवारों का नया घर बसा दिया है। टीना डाबी ने उन्हें 40 बीघा जमीन सौंपी है और इस जमीन से अब उन्हें कोई नहीं हटा पाएगा। कि जो पाकिस्तान से डिस्प्लेस्ड आ रहे हैं हमारे यहाँ लोग, और जिनको बहुत परेशानियों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए ये एक परमानेंट सोल्यूशन है, क्योंकि अब यहाँ पे वो आराम से बस सकते हैं टेम्प्रेरी फॉर्म में या परमानेंट फॉर्म में। कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई हटाएगा नहीं। और जैसे कि अन्यथा पहले वो जहाँ से हमने उन्हें हटाया था, जहाँ बैठ गए थे, जहाँ पे अन्य अलग दिक्कतें थी, लोकल्स का ऑपोजिशन था, कैचमेंट एरिया था, किसी और संस्था को वो खसरा अलॉटेड था, तो यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम या कोई इशू नहीं आएगा। साथ ही में ये जो एरिया है 40 बीघा का, ये अभी हमने करंटली 250 फैमिलीज के लिए प्लान किया है। और अगर मान लीजिए आगे आने वाले टाइम में और भी लोग आते हैं, और भी लोगों को ज़रूरत मिलती है, तो इसका पास का ही खसरा है, जहाँ पे और फर्दर आवंटन भी किया जा सकता है, और फर्दर लैंड इसी चीज़ के लिए उपयोग में लिया जा चुका है। ये मूल सागर गांव की 500 मीटर की परिधि में है, तो आबादी से 500 मीटर में पट्टे देने में भी कोई भी दिक्कत नहीं आती। और जो एक लाइट और पानी की जो प्रमुख प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को भी चाहिए कि मेरे घर के पास पानी बिजली हो, तो वो भी आराम से यहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकता है। साथ ही जो सीमांत लोक संगठन है, उसके भी और भी सजेशंस आए थे, वो भी जिला प्रशासन अब टेकअप कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे पास में ही स्कूल की भी सुविधा है। हमारे ज़िले में अभी भी काफ़ी ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे पाक विस्थापित लोगों के बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। इवन अगर उनके आधार और जनआधार नहीं है, तो भी हम उनका नामांकन कराकर उन्हें शिक्षा तो दे रहे हैं। बट हाँ, कुछ स्कीम्स जिसमें आधार या जनआधार का रिक्वायरमेंट होता है लाभ लेने के लिए, वो तो अभी नहीं दे पा रहे, तो उस पर भी क्या हम प्रयास कर सकते हैं, वो हम सोच रहे हैं। बाकी यहाँ पे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अपना CHC PHC पास में है, और इनके लिए रेगुलर मेडिकल कैंप्स और हेल्थ चेकअप्स का भी हम अब आयोजन करेंगे। तो एक जो एक होलिस्टिक अप्रोच है, जो ये सभी चाहते हैं कि हम एक अच्छा जीवन जिए, हमें जो जो सुविधाएं सरकार दे सकती है अभी हमारी इस कंडीशन में, तो वो सब हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ये हमारे यहाँ शुरुआत है, और ये पहली बार ही एक लैंड उनके लिए स्पेशली चिन्हीकरण करके उनके लिए सेट अपार्ट किया गया है। तो अब इनको आगे आने वाले टाइम में बहुत सुविधाएं भी मिलेंगी, और अब इन्हें कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो अभी करेंटली UIT की पॉलिसी है, उसमें 25% जो वैल्यू रहती है उसका, तो जो टोटल वैल्यू होती है उसका 25% तो देना होता है। पर हमने UDH से ऑलरेडी रिलैक्सेशन के लिए लिखा है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक सिंपैथेटिक व्यू लिया है कि ये लोग गरीब हैं और काफ़ी दिक्कतों और कठिनाई। जो अभी करेंटली UIT की पॉलिसी है, उसमें 25% जो वैल्यू रहती है उसका, तो जो टोटल वैल्यू होती है उसका 25% तो देना होता है। पर हमने UDH से ऑलरेडी रिलैक्सेशन के लिए लिखा है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक सिंपैथेटिक व्यू लिया है कि ये लोग गरीब हैं और काफ़ी दिक्कतों और कठिनाइयों को फेस करके आए हैं, तो इसमें जो रिलैक्सेशन के लिए और इसमें हमने रियायत मांगी है सरकार से। मूल सागर में इन लोगों से मिली है जी, क्या रिएक्शन? नहीं, बहुत अच्छा रिएक्शन है, क्योंकि पहले ये बहुत परेशान थे और इन्होंने हमसे काफ़ी शिकायतें भी करी, पर अब ये मुस्कुरा रहे हैं, ये खुश हैं और ये बहुत संतुष्ट हैं, तो वो देखकर हमें भी बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि प्रशासन भी यही चाहता है कि कोई भी लॉन्ग स्टैंडिंग इशू हो, तो उसका एक अच्छे से समाधान हो, एक होलिस्टिक समाधान हो। तो हमने जैसे हमने आपको वादा किया था कि 7 दिन में कर देंगे, तो आपको कर दिया 7 दिन में। तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है सभी को। तो प्लस जैसे साहब का NGO है, वो लगातार इन लोगों के संपर्क में भी रहता है, तो उनसे हम भी लिस्ट लेके, क्योंकि दिस इज सफिशिएंट प्लेस। अगर मान लीजिए, मैं वही आपको वापस दोहरा रही हूँ, कि किसी को नागरिकता नहीं भी मिली हो, तो भी यहाँ इतनी सफिशिएंट स्पेस है कि वो अपना टेम्परेरी सेटल हो सकते हैं, और जिस दिन नागरिकता मिल जाती है उस दिन वो उसके लिए अपने पट्टे के लिए आवेदन भी कर दें। तो ये क्या एक ऐसी जगह हो जाएगी कि यहाँ पे इनको कोई हटाएगा नहीं, ये इनके लिए स्पेशल, मतलब इन्हीं के पर्पस के लिए ही हमने ये जगह का आइडेंटिफिकेशन किया। लेकिन टीना डाबी के इस काम की कोई तारीफ नहीं कर रहा। कानूनी कदम उठाने पर उन्हें उनकी जाति की वजह से परेशान किया गया, लेकिन अब जब उन्होंने कानून के तहत ही उन्हें नए और सही ढंग से बसा दिया है, तब उनकी तारीफ में ना ही मीडिया कुछ बोल रहा है और ना ही ट्विटर पर कोई हैशटैग चला रहा है। जाति प्रधान देश में जाति देख देख कर कैसे लोगों को निशाना बनाया जाता है, टीना डाबी इसका सटीक उदाहरण है।
भारत के लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन पाकिस्तान से आए ये पीड़ित परिवार अब टीना डाबी को दुआएं दे रहे हैं। टीना डाबी के इस कदम पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।